सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। करुणा रेकी की सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करेंगे करुणा रेकी प्रैक्टिशनर 2 के तीसरे सिंबल की, जो है इयावा। लिखते हुए हम इस सिंबल की स्पेलिंग लिखते हैं IAVA, लेकिन बोलते हुए हम इसको बोलते हैं ई आ वा। लिखते हुए हम इसको इस तरह से लिखेंगे IAVA, लेकिन जब बोलते हैं तो हम उस समय ई आ वा, इस तरह से इस सिंबल को बताया गया है कि इसको बोलना है इया वाह। बनाने के लिए इस सिंबल को बनाने के लिए पहले एक छोटे ऊ जैसी आकृति बनाएं, थोड़ी सी आगे को झुकी हुई, तीन या छोटा ऊ जिस तरह से बनता है, और ऊपर से शुरू करें, नीचे को लेकर आए, पहली आकृति खत्म होने से पहले अंदर को घुमा लें और 1, 2, 3, 4 स्पाइरल बनाएं। फिर से देखें कि तीन या छोटे ऊ जैसी आकृति थोड़ी सी आगे को झुकी हुई इस तरह से बनाएं, उसके बाद ऊपर से फिर से शुरू करें और घुमाते हुए पहली आकृति खत्म होने से पहले अंदर को घुमा लें, नीचे को हल्का सा छूते हुए 4 स्पाइरल, 1, 2, 3, 4, इस तरह से बनता है सिंबल इयावा। अब देखते हैं हम इसके यूजेस क्या क्या बोलते हैं करुणा रेकी में है। सबसे पहला यूज जो हम इसका बोलते हैं क्लेम योर पार। कुछ ऐसी जीवन की परिस्थिति होती है कुछ लोगों की कि बाकी सब उन पर हावी होते हैं, खासकर महिलाओं की, जिस तरह से हमारी समाज में रहती है कि उनको कुछ करने से रोका जाता है या उनको रोक टोक बहुत होती है, या कोई ऐसे सज्जन है जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन परिवार के प्रेशर की वजह से उनको बोला जा रहा है आप ये करियर नहीं चूज करेंगे, आप इस तरह के काम करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आपको परिस्थितियां रोक रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए इस सिंबल को बोला जाता है कि अपने ऊपर इस्तेमाल करें, साथ में ब्रह्मांड से कामना करें कि आपको उस तरह की एनर्जी दे। इसके अलावा हील फॉर कोडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे पे आत्मनिर्भरता के लिए इस सिंबल को यूज किया जाता है। साथ में बोला जाता है कि रियलिटी अवेयरनेस, यानी कि जो प्रत्यक्ष अभी हो रहा है उसको सहजता से अपनाने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता वो बढ़ानी हो तो उसके लिए इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके लिए इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है, वो है हीलिंग नेचर, यानी कि प्रकृति को हील करना, पूरी पृथ्वी को हील करना। इसको सजेस्ट भी करते हैं कि जब करुणा रेकी कर लेते हैं तो उसके बाद डेली हीलिंग के लिए कम से कम एक बार पूरी पृथ्वी को इस सिंबल से हील किया जाए। फिर बाकी सारे करुणा रेकी के काफी सारे सिंबल्स जो हैं उसी की तरह इस सिंबल को भी गोल एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए यूज किया जाए। आप देखें तो पहले वाली जो हमने बात करी थी कि अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, अपने अंदर वो शक्ति लाने के लिए जो हम चाहते हैं वो कर पाए, उसके लिए सिंबल को इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो गोल एम्पावरमेंट के लिए भी इस सिंबल को बोला जाता है कि इस्तेमाल करें। करुणा रेकी के सिंबल्स बाकी सिंबल्स की तरह हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं। जो असली इंटेंशन है उसको आप याद रखें कि आपके अंदर से जो भाव आ रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें असली शक्ति है जिससे हीलिंग हो रही है। करुणा रेकी हम रेकी मास्टर्स के साथ सिखाते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन में किया जाता है, हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए करुणा रेकी हम मास्टर्स के साथ सिखाते हैं। और जो हमने ऑनलाइन मास्टर्स के वीडियो हैं वो आपको नॉर्मल लिस्ट में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो प्राइवेटली शेयर किए जाते हैं, और उन वीडियोज में हमने एनिमेशन के साथ प्रैक्टिस करा के इन्हीं सिम्बल्स को और अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आशा है इन वीडियोज से आपको जरूर मदद होगी और आप
यह सारे करुणारेखा के सिंबल के बारे में जान पाएंगे, और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है तो आप किसी करुणारेखा मास्टर के पास जाएं, अपना अट्यूनमेंट कराएं, उनसे और ज्यादा इस सिंबल्स के बारे में सीखें और इनका बड़े अच्छे से उपयोग करें। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम देहरादून में भी अब सिखाना शुरू कर रहे हैं और हम 2 सितंबर से लेकर करीब 6 सितंबर के आसपास हम देहरादून में रहेंगे, और उसके बाद हर महीने हम कम से कम 5-6 दिन देहरादून में क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो देहरादून के हमारे भाई बहन हैं, उत्तराखंड के भाई बहन हैं, जो सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, जरूर कॉन्टैक्ट करें और हमारे पास आकर सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।